अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आपका? कॉल आ गई यार, सॉरी इसकी कॉल आ गई। हेलो जी, वालेकुम सलाम। यस सर। या तो सर पहले आप बात कर लें या फिर मुझे कर लेंगे। बिग फैन मतलब यानी कि अगर आप मेरे बिग फैन हैं तो आप मुझे बात करने का मौका नहीं देंगे? अरे बदतमीजी क्या सर, लेकिन गाली मत दीजिएगा और ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हालचाल है आपका जी? उम्मीद करते हैं अपने तमाम व्यूअर्स ठीक ठाक होंगे। भाई मैं रोज आप लोगों का यार हालचाल पूछता हूँ, किसी दिन मेरा भी कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो क्या हाल है मेरा। भाई क्या हालचाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, अल्लाह ताला के फजल और करम से और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना आज का मजेदार ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। जनाब सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन जैसे ही मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ कभी खोता बोलना शुरू कर देगा, कभी कोई रेडी वाले भाईजान आ जाएंगे और इसका क्लिप अपना खराब हो जाता है। सच्ची बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? धूप में खड़े होकर इस टाइम जो सुकून मिल रहा है ना मैं बयान नहीं कर सकता भाई। कल इधर जो है ना रात टाइम बड़ी लेवल की अंधेरी आई है, ठीक है, और हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। उसके बाद से मौसम बड़ा ठंडा हो गया भाई इधर सरगोधा में और हवा भी अच्छी खासी तेज चली रहा। तो अभी जो है ना मौसम इतना ठंडा हो गया हुआ है कि सुबह उठ के मुझे अच्छी खासी सर्दी लग रही थी और अभी भी फील हो रही है। मौसम तो यार बड़ा अच्छा हो गया हुआ है, दिल गार्डन गार्डन हो गया। सच्ची में बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे खड़े होकर। ठीक, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। एनीवेज जनाब हम लोग मजे लेने नहीं आए, ठीक है? आप लोग सब्सक्राइब करो, आप लोगों का मजा दिलवाना है हमने, ठीक है? ताकि आप लोग सब्सक्राइब जब कर लोगे हमारी अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। सब्सक्राइब कर लो, साथ बेल आइकन का बटन है इसको भी दबा दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। सब्सक्राइब करो आप लोग, देखो फिर अगले महीने पाकिस्तान के हालात कैसे बदलते हैं। पेट्रोल नीचे आ जाएगा, ठीक है, बिजली सस्ती हो जाएगी, बल्कि फ्री समझ लो कि इतनी फ्री हो जाएगी। लोहा भी सस्ता, सब कुछ सस्ता हो जाएगा, आटा भी सस्ता हो जाएगा। लेकिन सब्सक्राइब करो, ठीक है ना? सब्सक्राइब करोगे तो ये सब कुछ होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे कुछ भी नहीं बल्कि बढ़ता जाएगा। तो बेहतर ये है कि अभी सब्सक्राइब कर दो। कैसा लगा मेरा मजाक? एनीवेज जनाब मौसम बड़ा अच्छा हुआ, ठीक है यार, बड़ा मजा आ रहा है। सच्ची बात कर रहा हूँ, ठंडा ठंडा मौसम हुआ है। खैर अभी जो है ना अपने शॉप पे चलने का टाइम हो गया तो शॉप पे जो है वो चलते हैं। कल हमने थोड़ा बहुत काम किया था, बल्कि वो पिछला 25% जो मैं परसों वाले ब्लॉग में कल वाले ब्लॉग में बताया था वो मैंने 25% मैंने आपको अपडेट दे दी थी और उसमें क्या किया, कुछ नया भी किया या नहीं किया। कल भाई साहब अबू जान के मेहमानों की दावत थी, ठीक है ना, रात टाइम, और हमने जो है ना खाना शाना बनाया हुआ था, फ्राइड राइस थे साथ, गुड़ वाले चावल थे, इसके अलावा शामी और बोतल से पुलिसना का सीन था। तो यानी कि खाना शाना खा लिया था रात भाई, लेकिन अभी जो है ना नाश्ता मैंने कर लिया लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत भूख लग रही है। मीठे चावल पड़े हैं, गुड़ वाले चावल पड़े, तो वो भी चल के नीचे खाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये हैं गुड़ वाले चावल जो कि मैंने अपनी प्लेट में डाल दिए, थोड़े से डाले हैं, ठीक है ना, दो तीन वाले। मीठे में ना अपनी जान है, चाहे मीठे चावल है, ठीक है, इसके अलावा चाहे मिठाई है, जो मर्जी डिश है मीठे में, है अपनी जान है, लेकिन खाना उसको थोड़ा ही है क्योंकि मीठा मीठी चीज आप जो भी ज्यादा खाओगे ना आपकी हालत खराब हो जाएगी, बेहतर ये बंदा थोड़ी खा। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। भाई अगर आप लोगों ने खाने हैं चावल तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो भाई मैं खाने लगा यार, मुझे भूख नहीं लग रही लेकिन थोड़ी सी वैसे खा रहा हूँ मैं। क्या करें जनाब, जब ऐसे कोई चीज पड़ी होती है ना तो उसको देख के दिल कर रहा होता है कि यार इसे खा लो, रहा नहीं जाता, इसको मकाओ बस। ए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ओके जनाब, तो भाई खाना शाना जो चावल खा रहा था मैं खा लिया, अभी जो है ना टाइम हो गया शॉप का, तो अभी जो है ना शॉप पे चल के मैं तुम लोगों से मिलता हूँ, ठीक हो गया जी? ओके भाई, वेलकम बैक टू आवर वर्कशॉप। अपनी वर्कशॉप पे हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं। फ्रिज हमारे पास ना परसों से चलती आ रही है, दोनों का ना यानी कि ठीक हो गई, बस इसका फिल्टर चेंज करना है और इसमें गैस चार्ज हो गई है तो ओके हो गया। इसका थोड़ा सा काम रह गया, इसका ये वाला फिल्टर चेंज करना है, दोबारा वैक्यूम करके इसमें भी गैस डाल देंगे और ये ओके हो जाएगी, ठीक है? ठीक है, समझ गया भाई। एक फ्रिज मैंने बस ना बाहर निकाल के रख दिया एज अ डिस्प्ले। भाई मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि लोहा और सब कुछ सस्ता हो जाएगा और ऐसा सच्ची में हुआ है कि इनफैक्ट पिछले हफ्ते जो लोहे का रेट था वो 190 रुपए था और कल मैं 80 रुपए किलो लोहा बेच के आया हूँ। तो भाई इसका मतलब ये है कि लोहा सस्ता हो गया, जिसे आयरन कहते हैं, इसके अलावा पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, 8 रुपए कुछ पैसे इतना सस्ता हुआ है, उसके बाद डॉलर भी नीचे आ रहा है भाई, मजे की बात ये है। लेकिन भाई साहब ये बात जो कबाड़ी हजरात है उनके लिए बड़ी दर्दनाक है क्योंकि उनकी दुकानें भरी हुई हैं लोहे से और लोहे का अचानक रेट जो है इतना डाउन हो गया,
यानी कि डबल आधी कीमत उसकी गिर गई लोहे की। तो उनका तो अच्छा खासा नुकसान है, एक किलो के पीछे उन्हें तकरीबन जो है ना 80 रुपये का ही नुकसान होता है। वो एक कबाड़ी इधर उसके उसने खुद ये बात कही है कि उसे एक किलो के पीछे 80 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो वो अभी सारे सारे जो है ना सोप मना रहे हैं इस टाइम, क्योंकि उनके लिए तो ये बात ठीक नहीं ना, उनका तो नुकसान हुआ ये। लेकिन भाई ये खबर जो है ना अवाम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ी अच्छी है कि चलो महंगाई थोड़ी सी कंट्रोल में आई है, चलो अल्लाह का शुक्र है। बात तो सही है, किसी का अच्छा होता है और किसी का बुरा होता है, किसी का अच्छा होता है किसी का बुरा होता है, बस इस तरह ही ये निजाम जिंदगी जो है वो चलता ही जा रहा है भाई। जनाब शॉप से फिलहाल इतना ही जो है, बाकी अपडेट मैं आप लोगों को जो है ना कॉलेज की दूंगा, और तब तक अल्लाह हाफिज। ओके भाई, तो अभी मैं शॉप से वापस घर जा रहा हूँ, ठीक है, शॉप से होगी छुट्टी। चलो चलो चलो। A few moments later. कैन में मैं पानी लेने जा रहा हूँ फिल्टर से, ठीक है। तो भी मैं कैमरा साथ नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन आप देखिएगा कि जादू से पानी आएगा। ओके भाई, तो पानी अपना आ गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ओके जनाब, तो पानी के साथ साथ हम लोग भी रेडी हो गए, ठीक है, कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल रेडी। खाना शाना खा लिया, तो अभी जो है ना कॉलेज का टाइम हो गया, तो भी चलते हैं कॉलेज भाई। तो अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है कॉलेज की तरफ। फाइनली जनाब हम लोग अपने जो कॉलेज पहुंच चुके हैं, जी सामने रहा कॉलेज। चलो भाई पहुंच गया कॉलेज। फाइनली जनाब कॉलेज हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी अंदर अपनी क्लास में चलते हैं। चार मिनट पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हम लोग कॉलेज। हम लोग यार अपनी क्लास में जा रहे हैं, ठीक है, ये आ गए हम लोग अपनी क्लास में। के भाई तो छुट्टी हो गई है, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर में अपने, अभी चलते हैं, मगरिब की अज़ानें हो गई हैं भाई। इस टाइम मुझे सर्दी महसूस हो रही है, सर्दी की अच्छी खासी फीलिंग आनी शुरू हो गई है। अच्छा ओके भाई, अपना आज का ब्लॉग करते हैं मेरी खत्म, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत सारा प्यार अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कैमरे का रिजल्ट बड़ा गंदा आ रहा है। खैर अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।